हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं आपका सुमित की शिक्षा में। आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, कौन से यूनिट का, यूनिट वन का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का छोटा सा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, क्या नाम है टॉपिक का? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो आप अगर आपको आवाज अच्छे से ना आ रही हो तो अपने फोन की वॉल्यूम थोड़ी सी इंक्रीज कर लेना। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन देखने से पहले इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि होता क्या है। तो मैं क्या कहता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया से, किसी पर्टिकुलर एरिया से, कि मान लो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है किसी पर्टिकुलर एरिया से जो पास होती है उसे हम क्या कहते हैं, फ्लक्स। पर यहाँ पे ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो एरिया से पास होंगी वो क्या होंगी, नॉर्मली, मतलब परपेंडिकुलर। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? मैंने कहने का मतलब ये है कि ये मान लो कोई एरिया है, ठीक है, ये हमारा कोई एक एरिया है, ठीक है, और यहां इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रही है। ठीक है, अब इस एरिया का जो एरिया है इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन पूछ ली, मतलब मैंने क्या पूछा है, पता है आपको क्या पूछा है? एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे होती है? परपेंडिकुलर टू प्लेन, मतलब कि मान लो ये कोई प्लेन है या फिर एरिया है, इसकी कैसे होगी? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर, मान लो ये ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, उसका परपेंडिकुलर ये और ये हो सकता है, तो ये हुआ ना इसका परपेंडिकुलर, देख ऐसे, ये इसका परपेंडिकुलर है। ठीक है, आ रहा था? अगर इसको मैं ये, इसी को, अगर इस प्लेन को मैं ऐसे रख लेता, मेरा कहने का मतलब है इस प्लेन को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल रखूं तब इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा? क्या बोला था? अब मैंने इस एरिया को ऐसे नहीं, ऐसे रख दिया, ऐसे पहले ऐसे रखा था, अब कैसे रख दिया? ऐसे रख दिया। ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर, मतलब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी परपेंडिकुलर तो कैसे होगी? ऐसे होगी, तो मतलब ये क्या ऐसे होगा, ये इसका हो गया एरिया। ठीक है, कौन सा एंगल बनने आते हैं? 90 डिग्री। तो ये समझ आ गया आपको कि हमने कौन सा डायरेक्शन कंसीडर करनी। चलो ठीक है, तो हम इसके डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसको हम मिटा देते हैं। तो डेफिनेशन देखो क्या बोलती है, डेफिनेशन बोलती है कि इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या बोलती है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। अब मैंने यहां पे वर्ड नहीं ऐड किया, कौन सा वर्ड नहीं ऐड किया आपको बताया है, नॉर्मली या परपेंडिकुलर, जो भी आप कह सकते हो। ठीक है, अब ये जो फ्लक्स है ना, ये तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड पे, जितनी ज्यादा, अब देखो फ्लक्स पे डिपेंड कर रहे हैं, अब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, समझ लो, जितनी ज्यादा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो क्या होगी, उतनी ही ज्यादा कौन सी लाइन्स होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी। अगर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी मतलब क्या होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, फ्लक्स। तो बस ये हो गया। दूसरा फैक्टर क्या बोलता है कि फाई, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल है, ठीक है, तो फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। तो ऐसे ऐसे जिस मर्जी से आप नोट कर दो, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, तो क्या कहता हूं मैं कि एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब मैंने क्या किया, आपको फिर थोड़ा सा नजर घुमा दी यहां पे, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है कि नहीं है? ठीक है, तो ये हमारा एरिया, एक ये एरिया, इसे बोल दो ए, इसे बोल दो बी। तो फ्लक्स ए में से ज्यादा होगी, फ्लक्स ए की ज्यादा होगी या बी की ज्यादा होगी, कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ए में से ज्यादा निकलेंगी या बी में से ज्यादा निकलेगी, पता चल रहा है आपको, बी में से ज्यादा निकलेगी क्योंकि उसका एरिया बड़ा है, एरिया ज्यादा है, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। ठीक है, समझ रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे मान लो कॉन्स्टेंट है, कि इस छोटे के लिए भी सेम है, बड़े के लिए भी सेम है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी जो लाइंस है वो हमने एक फिक्स वैल्यूज की रख दी, कितनी है तो है,
हमने दो छोटे छोटे मतलब एरिया डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के जो हमारी ये थे हमने ये ब्लॉक्स ले लिए ठीक है, और इसको मैंने इलेक्ट्रिकल में रेज कर दिया और देख लिया कि किसमें से ज्यादा है, तो हमें पता चल रहा है कि जिसका एरिया ज्यादा होगा उसमें से ज्यादा फ्लक्स निकल रही, तो बस वही हमें ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो गया। आ गया समझ अभी? ठीक है, अब थर्ड फैक्टर है कि एंगल, ठीक है, तो कौन सी कंपोनेंट पर डिपेंड करता है? कॉस थीटा। अब यहां पे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि साइन पे क्यों डिपेंड करता है, तब ये देखो कंडीशन क्या थी हमारे पास, हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल पर फिर ड्रॉ करते हैं, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल ठीक है, क्या मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया नॉर्मली, ठीक है, तो हमने एक एरिया को मतलब ये जो मान लो इसको मैंने ऐसे इस प्लेन को ऐसे प्लेस कर दिया, ठीक है, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और ई की डायरेक्शन ये रही, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आते हैं इसमें से भी आते हैं, समझ रहे हो, और इनके बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री, दिख रहा है ना आपको एंगल कितना है इनके बीच का? 0 डिग्री, ठीक है। अब यही पे एक और हम एक केस लेते हैं, मान लो यहाँ पे आ जाओ आप इस जगह पे, इसका पहले आप स्क्रीन शॉट ले लो, ले लो स्क्रीन शॉट, चलो ठीक है, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि क्या हुआ यहाँ पे। अब ये एरिया ऐसे हमने रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे पास हो रही है और एंगल कितना है? 0 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कॉस की जगह पे क्या ले लेता? साइन। अगर मैं कॉस की जगह पे साइन लेता तो साइन 0 क्या होता है? साइन 0 तो 0 होता है, ठीक है, यहाँ पे मैं थीटा की जगह पे क्या ले लिया? 0, तो साइन 0 तो 0 होता है, पर हमने जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो हम जो देख रहे हैं उसमें तो फ्लक्स इसमें से पास हो रही है, फ्लक्स की वैल्यू तो 0 है नहीं, ठीक है, फ्लक्स की वैल्यू तो 0 है नहीं, तो इसलिए हम कौन सा कंपोनेंट लेते हैं? कॉस थीटा। इसको आप एक और तरीके से समझ सकते हैं, ऐसे देखो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ये प्लेन हमने प्लेस कर दिया, ठीक है, अब ये रहा हमारा, इसका एरिया कैसे होगा? ऐसे। आपको यहां से साफ पता चल रहा है कि ये जो प्लेन है, अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पैरेलल है, ठीक है, एंगल कौन सा बना रहा है? 90 डिग्री का, और साइन 91, पर ऐसा तो साइन 91 मतलब, अब मान लो साइन इसे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो, और मैंने कंसीडर कर लिया हमारे पास साइन थीटा है, ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैंने साइन 90 पुट कर दिया, मतलब मैंने बोल दिया साइन 90 का एंगल कितना आ गया 1, पर इसमें से ऐसे मैक्सिमम फ्लक्स तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड तो पास ही नहीं हो रही है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, मैक्सिमम का इसमें से पास नहीं हो रही, क्योंकि पैरेलल नहीं देख रही हो, वही अगर मैं कॉस थीटा ले लूं तो साइन 90 वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया? कॉस थीटा। तो अब हमने एक दो तीन इस तीनों इक्वेशन को क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया, तो हमारे पास ये एक रिलेशन आ गया, ये आ गया हमारे पास। अब इस प्रोपोर्शनल के निशान को हटाने के लिए हम एक क्या लगा लेते हैं? कांस्टेंट। इसको हम के से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, अब इस के की वैल्यू हम क्या पुट कर देते हैं? 1, तो 5 हमारे पास क्या हो गया? ES cos थीटा, आ गया, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इसके मतलब अभी तो मान लो अभी तो हमारे पास एक फिक्स शेप थी, अब ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास कोई रेगुलर शेप आ जाए कि हमें पता ही नहीं कि इसकी शेप कैसी है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी है, अब बोल दे इसमें से फ्लक्स कितना और इसका फ्लक्स कितना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो हम अभी अपनी नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे, ठीक है। और हाँ, एक और बात आपको एक और बात बता दूं कि सिर्फ सोचने से, जब सोच लो ना कि हाँ 95% मुझे चाहिए, तो सिर्फ बोलने से नहीं आते नंबर, ठीक है, कि 95 हाँ सोच ले तो आ जाएंगे, उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए घिसना पड़ता है अपने आप को, ठीक है ना, हीरा तभी चमकता है तो उसको घिसा जाता है अच्छे से, तो अपने आप को भी उसी हिसाब से घिसना पड़ेगा।
ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके कहीं आपके नंबर आएंगे, सिर्फ सोचने से नंबर नहीं आते हैं, ठीक है, आ रहा समझ? तो मेहनत करनी स्टार्ट कर दो, फालतू की जितनी चीजें सारी छोड़ दो, क्योंकि जो सफलता है ना, सफलता क्या मांगती है, जो सक्सेस है वो क्या मांगता है, वो संघर्ष मांगता है, ठीक है, जो सफलता है ना वो संघर्ष मांगता है। अब कई कहते हैं कि उसकी किस्मत अच्छी है, ये है वो है, ठीक है, उसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए इतने नंबर आ गए। उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी, उसने अपनी किस्मत अच्छी बनाई थी, और वो कैसे बनती है, मेहनत करके, ठीक है। किस्मत से आपको ज्यादा ज्यादा क्या मिल जाएगा, जो आपके नसीब में लिखा है वो आपको किस्मत से मिल जाएगा, जो आपके नसीब में लिखा होगा वो आपको किस्मत से मिल जाएगा, पर मेहनत से पता क्या मिलेगा, जो आपके नसीब में नहीं लिखा है वो भी मेहनत से मिलेगा, ठीक है। तो मेहनत करनी शुरू कर दो, हम अपना आगे करते नेक्स्ट टॉपिक रेगुलर शेप के लिए, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसको फटाफट। अब हम फ्लक्स देखेंगे इनरेगुलर शेप के लिए, ठीक है। इनरेगुलर शेप ये रही, इनरेगुलर शेप अमीबा, अमीबा जानते हैं ना अमीबा क्या होता है, बस वही है, ठीक है। अमीबा तो क्या कर सकते हैं अब, इसमें से फ्लक्स कितना है वो काउंट करने के लिए इसका छोटा सा एरिया कंसीडर कर लो, मान लो इसको कंसीडर करें यार, इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है, ये छोटा सा हो गया हमारा, छोटू सा, ठीक है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता था, ये हो गया, याद है ना, याद है, ठीक है। अब एरिया छोटा है तो फ्लक्स क्या होगा, छोटा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, एरिया छोटा तो उसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं डीएस, ठीक है, आराम से समझ। अब कॉस को हटा के हम क्या लिखते हैं, डॉट लगाते हैं तो हम इसको ऐसे लिख देंगे डीएस, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ये तो हमारा छोटा सा आ गया, बट हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट तो पूरे मीबे का करना है, इनरेगुलर शेप का, तो ठीक है, इस पूरे को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन का नाम सुनते ही बाय वाले हैंग हो गए, तो हैंग होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी इंटीग्रेशन होगी, ठीक है, ज्यादा कोई बहुत पहाड़ चढ़ने का नहीं, मुश्किल से ज्यादा काम नहीं है, ठीक है, तो हैंग ना हो, पढ़ाई अपनी जारी रखो। तो हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन का निशान लगा दिया, इसको यहां से आप ये नोट करोगे, ठीक है। हाँ, आपको एक बात बताना भूल गया, तो कि ये जो है क्या कहते हैं, फ्लक्स वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, इसमें फ्लक्स का फॉर्मूला पहले लिखते हैं, ये है हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला, इसमें क्लास टेंथ का थोड़ा सा कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। अब जिसकी क्लास इलेवेंथ का इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा, अब जिसने तो क्लास इलेवेंथ में पढ़ा है उसको तो पता होगा, अब जिसने नहीं पढ़ा है उसको हम बता देंगे, ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, बता देंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, और ये एरिया वेक्टर है ये, ठीक है, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, वेक्टर, जब दो वेक्टर आपस में ऐसे होते हैं तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलता है, तो हमें आंसर क्या आएगा स्केलर में, मतलब जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होगा तो आंसर क्या आएगा स्केलर, ठीक है। तो यही, इसी के साथ हम अपना आज का टॉपिक फिनिश करते हैं, टॉपिक का नाम था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आपको मैं मिलूंगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना, लिख के भेजोगे